अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम अपने फार्म के लिए ना यहाँ पे वंडा बना रहे थे, अचानक से मुझे ख्याल आया ऑनलाइन आज आके लाइव आके ना आप सब लोगों के साथ भी शेयर कर लें, क्योंकि ग्रुप में अक्सर सवाल पूछा जाता है जानवरों को, वंडा क्या दें, क्या खिलाएं, क्या ना खिलाएं। तो सिंपल सी चीज़ें पांच छह जो हमें हमारे एरिया में मिली सब आपको बताते हैं। पहले इसको खिंडाओ, उसको चोकर को कहीं से खिंडाओ। जो हमारे एरिया में हमें मिली है ना, वो हम बस हमने ज़्यादा कोई लंबी चौड़ी नहीं की, जो एरिया में मिली सिंपल सी वंडा बनाने के लिए चीज़ें वो डाल ली। सबसे पहले चोकर दिखाते जाते हैं साथ साथ। चौकर खिंडा रहे हैं हम लोग सीधा इसको ना, यहाँ तक लंबा कर, यहाँ तक पूरा पूरा, जितना ज्यादा लंबा होगा उतना आसानी से मिक्स हो जाएगा। फिर सबसे पहले चौकर, फिर काले चने का छिलका है, ये दिखा नजर आ रहा है काले चने का छिलका चौकर के बाद। इजीली अवेलेबल है हमारे इलाके में जो जो सामान ना, वो हम लोग फिर सब मिक्स करके बना रहे हैं। सिंपल जो आप घर में डालते हो ना खल और ये, उनसे उससे बहुत ज़्यादा ताकतवर है ये। छिलका हो गया, चौकर हो गया, खल बनौला, इसको बारीक बारीक हमने पीसा है। इसको खिला, ये नजर आ रहा है मूंग, मूंग की दाल के ऊपर से जब उसका छिलका उतारा जाता है ना, उसमें दाल के छोटे छोटे टुकड़े, और उसका इसमें नजर आ रहे होंगे, गौर गौर से देखें। अक्सर अपनी हर पोस्ट में बोलता हूँ मूंग कुट्टा, तो बंदे पूछते हैं अभी मूंग कुट्टा क्या, ये है मूंग कुट्टा। देखो इसमें मूंग की दाल के छोटे छोटे टुकड़े और मूंग का ऊपर वाला जो हरा छिलका है वो है, मतलब काले चने, चने की दाल का छिलका, काले चने का छिलका, और उसके छोटे छोटे पीस आते हैं और मूंग की दाल का छिलका, मूंग कुट्टा जिसको बोलते हैं। राइस पॉलिश, बड़ा सिंपल सा फार्मूला है दूध देने वाले जानवरों के लिए और कट्टे बच्चे दोनों के लिए, जो गोश्त वाले हैं उनके लिए भी। ये मेरे साथ बड़ा मसला है, कमेंट्स अपेयर नहीं होते मेरी पोस्ट में, फिर बाद में मुझे जवाब देने में बड़े मसला आ जाता है यार। अभी ऐसा होता है कोई कमेंट कर रहा होगा और मेरे पास नहीं शो हो रहा, तो मैं वरना आपको साथ के साथ समझा देता, जवाब भी दे देता। हमने अभी लिया जो 50 kg लिया है इसका मूंग छिलके का, चने की दाल के का 40 kg लिया है मूंग कुट्टा, और 6 bags लिए हैं चौकर के 25-25 kg वाले, 2 bags लिए हैं राइस पॉलिश के, सरसों की जो खल होती है ना कड़वी, ये दिखाता हूँ मैं, इसको ना पिसवा लिया कड़वी खली सरसों वाली, मेहंदी टाइप की हो गई है ये। आम तौर पे जो इस भिगो के खिलाई जाती है ना, इसका जायका कड़वा होता है तो जानवर खाते नहीं, ये भी इसके साथ पिस गई, अभी चक्की से कल हमने पिसवाई, और ये भी इसके अंदर हम अपने बंडे के अंदर मिला रहे हैं, प्रोटीन भी है एनर्जी भी है।
मकई को भी ना साबित लेके उसका दलिया बनवा लिया सिरी लैग टाइप का, क्योंकि मेरे ग्लूटेन अवेलेबल नहीं था। वो भी दिखाता हूँ आपको, इस फॉर्म में आ गई है मकई के छोटे छोटे नज़र आ रहे होंगे पीस, ये मकई का दलिया हो गया, चौकर हो गई, खल बनौला हो गई, खल सरसों हो गई, मूंगकुट्टा हो गया, काले चने का छिलका हो गया, राइस पॉलिश हो गई, सब मिक्स, नमक भी इसमें हम डालेंगे और DCP पाउडर भी। जाओ नमक तो ले आओ ना, वो जो हमने लिया था। फिर सबको खोल के अच्छे तरीके से मिक्स करके फिर 40-40 केजी के बैग बना के हम रख देंगे। बड़ा सिंपल सा फार्मूला है, छोटे से छोटे शहर में भी मिल जाएंगी ये चीज़ें, चौकर हो गई, राइस पॉलिश हो गई और ये चीज़ें हो गई, तमाम इलाकों से ऑलमोस्ट मिल जाती हैं। मलिक साजिद, किसी को ऐड होना है क्या वीडियो के अंदर, कोई सवाल ही पूछ लो, क्योंकि मेरे पास कमेंट्स शो नहीं हो रहे। हाँ, कमेंट्स नहीं हो रहे शो आप सबके, फिर जो सवाल होगा ना वो वीडियो जब एंड करूँगा तो उसके बाद मैं वो फिर पढ़ के जवाब दे दूँगा। नेक्स्ट जो अभी हमने ताज़े सूए हुए जानवर ख़रीदने, कल से ख़रीदारी शुरू करेंगे, फिर उसके बाद हम इसके अंदर सोयाबीन मील ऐड करेंगे और दूसरी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अभी जो हमारे पास है ना एनिमल्स ड्राई ज़्यादा हैं, ये अभी मकई ऐड कर ली, चीज़ें सब फिर गिन के बता देता हूँ। मकई, खल बनौला, खल सरसों, राइस पॉलिश, चौकर, मूंग कुट्टा और काले चने का छिलका। वैसे छिलके काफ़ी सारे होते हैं, मसूर की दाल का छिलका भी होता है, काले चने का छिलका होता है, मटर की दाल का, मटर का छिलका होता है और सोयाबीन का छिलका होता है, फिर आपकी मर्ज़ी है जौन सा भी ऐड कर लें जो अवेलेबल हो आपके इलाके में। हाँ, वो डाल दो अभी, हाँ ये डाल दो, नमक भी डाल दो। थोड़ी लाल मिर्चें डाल दी थी, नजर आ रही होंगी, और नमक बिल्कुल हल्की सी डलवाई थी मैंने, ताकि जो है ना वो जहर बाद का हो जाता है अक्सर मसला, तो वो भी ना हो। नमक भी अभी डल रहा है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाया, बड़ा सिंपल सा बनाया है फार्मूला। कमेंट्स नहीं हो रहे शो, वरना मैं जवाब देता साथ के साथ। अब पता नहीं क्या कोई सवाल आ रहे होंगे या नहीं आ रहे होंगे, कल से मसला। अब मिक्सिंग बस,
लेकिन वो सही है और होती है आप बनाया है छह और है छह माले आ गया केड़ा मिनी है आटम दादा आ गया अस्सलाम वालेकुम जी सारा चोकर सर में ओदर मैं आ गया राजपाल साडे को किमे लेनी है जने 800 रुपए मान मैं कह तू इतना भैन या वो आप 1200 कमेंट्स नहीं शो रहे मेरे पास यार नहीं हो रहे अभी कोई बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है मेरे व्हाट्सएप में ऐप भी अपडेट किए दोबारा से पता नहीं क्यों नहीं आ रहे फिर वनडे की तरफ ले जाता हूँ अपने आप को छोड़ता हूँ नेक्स्ट जो हम बनाएंगे ना उसके अंदर हम बाईपास फैट भी ऐड करेंगे सोयाबीन मील भी ऐड करेंगे मंगवाएंगे अभी हमारे एरिया में ना बाईपास फैट और सोयाबीन मील दोनों ही दस्तियाब नहीं थे नेक्स्ट टाइम हमारे पास दूध वाले जानवर भी आ जाएंगे तो फिर इसको इसको थोड़ा सा इसका जो है ना इसमें सामान वो कर देंगे अभी बड़ा सिंपल सा बना है ये देखे साफ सुथरा सा खुद तैयार किया हुआ जो होता है ना उसका कंपनी के बनाए हुए से नहीं कोई जोड़ होता शीरा मीरा डाल डाल के यूरिया खाद डाल डाल के फिर बोलते हैं जी कुदरती अज्जा है हमारे में खुद ही बना ले 30-31 रुपए किलो पड़ जाएगा हको आएगा मैार आप अगर बढ़ाना चाहते हैं तो 35-40 भी पड़ जाएगा लेकिन जो खुद बनाएंगे ना उसकी तसल्ली बड़ी ज़्यादा होगी आपको फिर 40 kg के बैग्स बना के रख देंगे 40-40 kg के धूप अभी एनिमल्स है ना जो उसमें छोटे बच्चे और ड्राई ज्यादा है फिर इनके लिए एक सिंपल सा बनाया ज्यादा महंगा भी ना हो और इसमें जो है ना थोड़ी एनर्जी भी हो छोटे बच्चे हैं ज्यादा ये देख रहे हैं इनके लिए भी हम इनको शेड में शिफ्ट कर देंगे अलग फिर इनकी रस्सी से इनको निजात मिल जाएगी मेरे ख्याल से जो हमारा वो था ना मकसद लाइफ का वनडे का बताना सिंपल सा जिनके पास क्या है तो जिनको अक्सर भाई पूछते रहते हैं हमारे ग्रुप में वो तो हो गया होगा फिर एंड करते हैं वीडियो को फिर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट अब जब कल मंडी जाएंगे शेखपुरा जानवर ख़रीदने के लिए जो कुछ लोग बेचारे अक्सर पूछते रहते हैं कीमतों के बारे में इसकी क्या कीमत थी ये कितने की होगी महंगे ख़रीद लेते हैं फिर उनको रेट कम लग रहे होते हैं वहाँ पर भी थोड़ी सी नज़र दौड़ाएँगे कि नए जो फार्मर है ना उनको किस तरीके का ख़रीदना चाहिए जानवर ज़्यादा महंगा नहीं ख़रीदना चाहिए ताकि उनको नुकसान कम से कम हो हमारे पास अभी ड्राई है ज़्यादा फिर इंशाल्लाह ताला फ्रेश जो है ना कल से हम परचेजिंग शुरू कर देंगे आहिस्ता आहिस्ता फिर उनकी उनको भी वो करते रहेंगे शेखपुरा मंडी कल जाना है विजिट फिर देखेंगे इंशाल्लाह ताला ठीक है अभी वीडियो को एंड करता हूँ दुआओं में याद रखिएगा और क्या नाम है वनडे के बारे में फिर जो है ना मज़ीद जब दूसरी बार बनाएंगे फिर मुकम्मल अज्जा के साथ आपको सब पूरा 100 kg का फार्मूला बता दूंगा ऑल कंप्लीट इंग्रेडिएंट्स के साथ अभी जो अवेलेबल थी हमारे शहर में वो लिए लेकिन ये जो सिंपल हम खाली डाल देते हैं या चोकर डाल देते हैं उससे बहुत बेहतर है अगर चोकर पड़ रहा है 25 रुपए किलो तो ये सब चीज़ें मिला के 30 रुपए किलो पड़ जाए उससे बहुत बेहतर है
बहुत ज़्यादा बेहतर है। अल्लाह हाफिज़।